23 में 20 इंच वाला डलवा दिया आपने भाई, ये तो पहले से शौक है अपना, पहले से शौक है। मतलब शुरू में मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी, हाँ, ओल्ड मॉडल वाली जो है, अच्छा, उसमें भी हमने 3-4 लाख रुपए लगाए स्विफ्ट में, 3-4 लाख। भाई अगर इसमें 22 इंची गिरवाते तो हमें गाड़ी थोड़ी कटवानी पड़ती है, कटवानी पड़ती है। लेकिन 20 इंची पे उन्होंने जो कह दिया, जो अपने जितनी भी सवारी आती है गाड़ी में अपने कहीं भी ले जाओ। अच्छा, मैं तो यू कहना चाहूंगा, मैं तो अपनी स्कॉर्पियो भूल गया इसके सामने तुम्हें। अच्छा, स्कॉर्पियो चलानी बंद कर दी? बिल्कुल, ये खड़ी भाई आपके सामने, आप देख लो, जब से ये गाड़ी आई है ना, मैंने तो स्कॉर्पियो में जो बैठा ही ना होगा भी। अगर इस रेंज में आप गाड़ी ले रहे हो ना, तो इससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, मन जीत लिया गाड़ी ने। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो भाई आज आपके लिए लिया है ग्रैंड विटारा, और जो कि काफ़ी ज़बरदस्त मॉडिफाई कर रखी है, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सीएनजी भी है, तो उसमें ये भी पता चल जाएगा कि सीएनजी पे 20 इंच वाला पे कितना एवरेज वगैरह निकाल के दे रही है हमको ये। और जो मॉडिफाई कर रखी है भाई ने, अल्टीमेट मॉडिफाई कर रखी है, एलॉय भी काफ़ी अल्टीमेट डाल रखे हैं। ये देखो साइज़ दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार इसका, ये रहा पे 245, 35 और 20। तो चलो भाई से मिलते हैं, जानते हैं कहाँ पे मॉडिफाई कराई और सीएनजी में अब कितना एवरेज वगैरह निकाल के दे रही है। भाई बड़े भाई आप बताओगे? बस ठीक भाई। और भाई, तो भाई एक बार अपना शॉर्ट इंट्रो हो जाए, मतलब कहाँ से हो नाम? भाई मैं तिलपता से हूँ, ग्रेटर नोएडा से। जी, तिलपता ग्रेट नोएडा से। तो भाई मतलब कब ली थी आपने? भाई ये छोटे भाई की शादी में मिली, शादी में मिली थी जी। तो ये मॉडल वगैरह कौन सा है? ये तो अभी का मॉडल है 2024 और वैसे सेकंड मॉडल है, टॉप डेल्टा सेकंड, डेल्टा सेकंड मतलब सेकंड मॉडल है। हाँ जी, हाँ जी, सीएनजी में है। और ये जी तो भाई कर रखी है आपने इसमें? पहले मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, फ्रंट में क्या क्या हो रहा है? फ्रंट में तो भाई ये एलईडी गिर भाई इसमें वाइट बस। हाँ भाई, और कोई इसमें काम वगैरह आगे ना? बाहर के कुछ ना छिड़वाया। तो अब इसका थ्रो वगैरह कैसा है? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। हाँ जी, तो कितना प्राइस कितना रहा था लाइट का? लाइट का लगभग मैं 4,500 की गिरी थी। 4,500 कहाँ पे करवाए थे भाई? करोल बाग में भाई, मतलब करोल बाग कराया था जी। और ये जो एलॉय है इनके बारे में बात करते हैं, इनका साइज मैंने दिखाई दिया पहले 245, 35 और 20। तो भाई इन एलॉय का प्राइस क्या रहा था? भाई ये वो टायर चेंज करके कंपनी के लगभग में 1 लाख के करीब पड़े हैं। मैं 1 लाख के जी, मतलब इसमें तो वो आते हैं ना स्टील रिम? हाँ वही आते हैं, स्टील रिम और टायर दोनों दे के। हाँ ये लगभग में सारे मतलब काउंट करें हमने तो 1 लाख के करीब बैठे हैं, 20 इंची। अच्छा, पुराने वाले वो कितने के लिए होंगे लमसम? 30,000 के करीब। 30,000 के करीब हो, तो मतलब 60,000 रुपया गिर के 1 लाख के हो गए। ये एलॉय डलवा रखे हैं भाई, मतलब इनका कंफर्ट वगैरह कैसा चला रहे हो आप? बढ़िया भाई एकदम। अच्छा, ये मतलब X2 कंपनी के हैं? जी जी। तो भाई डिजाइन भी काफी अल्टीमेट है, ये डिजाइन भी मतलब भाई इनके अलावा की गारंटी भी है, गारंटी भी है, पैंट की भी गारंटी दी है, फुल गारंटी है। कितने टाइम की गारंटी है? लाइफ टाइम की गारंटी है, लाइफ टाइम अगर पैंट छूट जाएगा तो? हाँ, तो वापसी, बिल्कुल वापसी। हाँ तो ये है भाई। और साइड में क्या क्या करा रखा है? क्रोम कंपनी से ही आती है भाई? ये तो कंपनी की है सारी चीजें, बस ये वाली गिरवाई थी हमने जो करोल बाग से। तो इसका प्राइस वगैरह क्या रहा था कुछ पता है? 1200-1300 की गिरी थी। 1200-1300, हाँ मतलब सही है, पहली वगैरह भी नहीं, इसमें ज़्यादा करवाई नहीं है मॉडिफाई, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो है ना। अच्छा, वो फुल मॉडिफाई करवा रखी है जो ये भाई की स्कॉर्पियो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी, अब इसके बारे में बात करेंगे। भाई भाई एक बात बताओ जी, और रियर में बताओ, रियर में क्या करा रखा है आपने? भाई पीछे की लाइट चेंज कराई थी हमने, ये ब्लिंक करती है नीचे की तरफ, और ये टेल लाइट? नहीं ये तो सब कंपनी की, कंपनी की आती है इसमें, बस यही चेंज कराई है हमने। अच्छा, ये सब होगी जी ना। क्रेटा है तो क्रेटा के मुकाबले कैसी है चलने में? ये तो स्कॉर्पियो से भी अच्छी लगी भाई मुझे तो। मतलब वो कैसे भाई? भाई इसके जो लॉन्ग ड्राइव पे चला के देखोगे ना आप, इतना आराम मिलता है इस गाड़ी में, हमें स्कॉर्पियो में भी ना मिला। स्कॉर्पियो में नहीं मिलता आपको? अब जिस दिन से गाड़ी मिली है ना, ली है हमने, उस दिन से स्कॉर्पियो न्यू की न्यू खड़ी है। अच्छा, स्कॉर्पियो उधर खड़ी रहती है। तो भाई कितनी चला दी आपने? भाई ये लगभग मैं 2000 किलोमीटर चली है अभी। 2000 किलोमीटर चल गई है, तो इसमें कीलेस एंट्री वगैरह भी आती है? हाँ, ये देखो 2000 किलोमीटर चला दिया आपने। 2000 किलोमीटर। तो भाई सीएनजी में एवरेज वगैरह कितना दे रही है आपको निकाल के? भाई ऐसा तो कभी देखा ना। लंब समझो से एक टैंक भरवाते हो, कितने भरता है इसका टैंक, कितनी गैस आती है? टैंक तो 500 रुपए के करीब भर जाए इसमें। अच्छा, गैस कितनी? अभी 200-250 करीब तो मैंने एक बार देखा है इसका। हाँ, 20 इंच वाला है। हाँ, 20 में चल जाती है, बिल्कुल आराम से चल जाए। अच्छा, जैसे 20 इंच वाला भाई, मतलब कम्फर्ट कैसा आया इसका? बहुत बढ़िया है। ब्रेकिंग वगैरह सब बढ़िया जी एकदम, मतलब सब फर्स्ट क्लास चल रही है। इंटीरियर में क्या करा रखा है आपने इसमें? भाई ये वाली लाइट गिर भाई इसमें, क्या बोलते हैं? अच्छा, लाइट बोल रहा हूँ इसको। हाँ, ये भीतर जो लग जाती है। चलो, और इसमें जो है ना 4 स्पीकर गिर भाई बस। अच्छा, इसमें एमपी लग रहा है? हाँ, मतलब 4 स्पीकर सिस्टम लगवाया लेकिन उतरवा दिया भाई, वो सिस्टम उतरवा दिया। हाँ, ए एम्प लगा हुआ है इसमें वैसे ये। हाँ, 4 स्पीकर। और ये मैं इंटीरियर दिखा दूँ एक बार, देखो इसमें कुछ स्टार्ट बटन आता है, और ये स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल भाई, क्रूज कंट्रोल, मतलब ये कंपनी से ही है ना इसका स्टीयरिंग सब चीज़ भाई, कंपनी की। और इस देखो एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, टच स्क्रीन, मतलब सेकेंड मॉडल में सब चीज़ें मिल जाएंगी, चारों पावर विंडो, 4 स्पीकर, ये स्टीयरिंग और टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों आते हैं देखो इसमें, और इसमें ऑटोमेटिक एसी,
यहाँ पे हैंड आर्म रेस्ट ये सब मिलता है। तो भाई भाई, भाई और कुछ तो नहीं करा रखा आपने इसमें? ना ना भाई, बस यही डर ये चीज़ें मतलब जो इसमें कंपनी से आती हैं सब। हाँ भाई, अपना उस पर पैसा लगा रखा हमने 3.5 लाख रुपया। हाँ हाँ, ये तो सिर्फ जो है ना हमें बाहर भीतर निकलने के लिए। अच्छा, मतलब सिंपल कर रखी है सीएनजी के हिसाब से। हाँ, सिंपल गाड़ी एकदम। मतलब गाड़ी तो आपने काफ़ी ज़बरदस्त मॉडिफाई कर रखी है, मुझे बताओ मतलब आते ही इसमें 20 इंच वाला डलवा दिया आपने? भाई ये तो पहले से शौक है अपना, पहले से शौक है। मतलब शुरू में मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी, ओल्ड मॉडल वाली जो है। अच्छा, उसमें भी हमने 3-4 लाख रुपये लगाए स्विफ्ट में। 3-4 लाख? हाँ भाई, तो मतलब बचपन से ही शौक है। हाँ बिल्कुल जी। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ भाई आपके पास अब फिलहाल? भाई अब स्विफ्ट है, स्विफ्ट तक ब्रेक देखे हमने, एल्टो है, एल्टो स्कॉर्पियो खड़ी है आपके सामने, ब्लैक कलर दिखाई जी मैंने, ग्रैंड विटारा, तीन गाड़ी है। ग्रैंड विटारा भाई सबसे ज्यादा चलाने में मन कौन सी में लगता है? भाई अब तो फिलहाल तो ग्रैंड विटारा में आ रहा, मजा आता है। अच्छा, इसमें मजा आ रहा है। वैसे 20 इंच अलॉय पे जैसे 1 किलो गैस में कितनी चल जाएगी आपके हिसाब से लगभग? भाई ऐसा कभी, जैसे कंपनी 26 क्लेम करती है, कम से कम मान के चलो आप 18-20 का दे देगी इस पर आराम से। बिल्कुल अलग। तो भाई जैसे 4-5 लोग बैठ के गए हो कभी इसमें? भाई गए हैं। कोई दिक्कत वगैरह महसूस होती है? फैमिली गए हम, घूमने गए, खोली भी गया मैं। अच्छा, खोली, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी स्पीड पे चलाओ इस पे, हाँ अलेवल पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत महसूस ना, नहीं ना, हो रही है। मतलब अगर इसमें 22 इंची गिरवाते तो हमें गाड़ी थोड़ी कटवानी पड़ती है, कटवानी पड़ती है। लेकिन 20 इंची पे उन्होंने जो कह दिया, जो अपने जितनी भी सवारी आती है गाड़ी में अपना कहीं भी ले जाओ। अच्छा, 20 इंची मतलब कंफर्टेबल है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, कटवानी। बहुत से लोग स्विफ्ट वगैरह में डलवा लेते हैं ना, तो वो तो बहुत ज्यादा। ये तो हम ट्राई कर लिया ना मैंने 2-3 बार अपने लॉन्ग ड्राइव पे जाके। अच्छा, हमें दिक्कत नहीं हुई भाई। अच्छा भाई, तो भाई मतलब गाड़ी लगती तो काफ़ी ज़बरदस्त है ग्रैंड विटारा, क्रेटा के मुकाबले। क्रेटा और ये दोनों मतलब इनका कंपटीशन है आपस में रेट वगैरह में। भाई क्रेटा भी चलाई है आपने? भाई क्रेटा भी चलाई है, स्कॉर्पियो भी चला रही है। हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मन जीता है इस गाड़ी ने जीता, मतलब चलाने में मजा आता है इसको। बिल्कुल भाई, आप भी एक बार ट्राई करना इस गाड़ी है। देखो क्रेटा तो डीजल में आती है, पेट्रोल में चलाई है आपने? ये पेट्रोल में भी चलाई है, सीएनजी में भी। ये सीएनजी में, क्रेटा पेट्रोल में चलाई है? हाँ दोनों, ये पेट्रोल में भी चलाई है मैंने, वो भी चलाई है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और मतलब क्या कहना चाहोगे भाई इस गाड़ी के बारे में जो आपको इसमें अच्छा लग रहा हो? मतलब एक तो लुक्स तो इसके हो गए परफेक्ट। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं तो अपनी स्कॉर्पियो भूल गया इसके सामने तो मैं। अच्छा, स्कॉर्पियो चलानी बंद कर दी? बिल्कुल, ये खड़ी भाई आपके सामने। हाँ हाँ, आप देख लो, जब से ये गाड़ी आई है ना मैंने तो स्कॉर्पियो में जो बैठा ही ना होगा कभी भी। अच्छा, स्कॉर्पियो चलाई नहीं? चलाई ना, लेकिन देखो स्कॉर्पियो 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 का अलग रुतबा है, उसका थोड़ा सीन अलग है वो। लेकिन ये बढ़िया गाड़ी है, ये कम्फर्टेबल है, मतलब हाँ जी पूरा मजा है इसमें। सारी गाड़ी चला के देख ली। हाँ हाँ, लेकिन इस जैसे गाड़ी का मजा किसी गाड़ी में मिला ना। 15 लाख रुपए में पैसे वसूल है मतलब? बिल्कुल भाई, फुल एकदम। जैसे भाई कोई देख रहा हो ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में कन्फ्यूजन में हो, भाई ग्रैंड विटारा लेना मेरे कहने से। ग्रैंड विटारा सीएनजी, इसके मुकाबले में कोई गाड़ी नहीं इस रेंज में, इसके मुकाबले में कोई गाड़ी ना। अच्छा, मतलब बेस मॉडल में भी डिस्क ब्रेक आ जाते हैं? भी मिल रही है, ये तो सेकंड है। खैर चलो, सेकंड मॉडल में भी। हाँ, मतलब चलने में कंफर्ट बढ़िया है। बिल्कुल भाई, मन जीत लिया गाड़ी ने। लुक्स तो कह रहे हैं इसके जब आई थी काफी जबरदस्त लुक है। बाकी अपनी अपनी चॉइस हो, कौन हर इंसान की अलग अलग चॉइस है, लेकिन भाई मैं तो ये राय दूंगा सबसे अच्छी गाड़ी मुझे ये लगी। बिल्कुल भाई, भाई सेफ्टी वगैरह मतलब कैसी लग रही है? सब बढ़िया भाई, बॉडी वगैरह ठीक है? बिल्कुल, बॉडी बहुत बढ़िया भाई, बॉडी वगैरह ठीक है। तो भाई ये भाई का रियल ओनरशिप भी भाई ने अभी चलाई है, ज्यादा चली गाड़ी ने कुल मिला के मन जीत लिया भाई, गाड़ी मन जीत लिया भाई की। देखो इधर स्कॉर्पियो खड़ी है, उसको ना चला के भाई बता रहे हैं कि इसको चलाते हैं हम, तो इसे चलाते हैं भाई। तो भाई कैसी लगे हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स बताना, और कोई आपको जानकारी चाहिए इस गाड़ी से रिलेटेड, भाई अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा मैं भाई का, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।